स्वागत है आपका स्टडी फॉर जॉब चैनल में। मैं हूं विवेक चौहान और आज की इस वीडियो में हम UP SSC की एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस समय UP SSC में जो ग्राम विकास अधिकारी का इंटरव्यू चल रहा है उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया है, तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बता दें, आपको इस वेबसाइट पर मॉक टेस्ट जो कि सामान्य ज्ञान, हिंदी व्याकरण, कंप्यूटर ज्ञान, बिहार सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है, तथा सरकारी नौकरी की जानकारी, UP SSC की लेटेस्ट न्यूज तथा रेलवे की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आपको इस वेबसाइट का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपके डिस्प्ले पे जो लिंक शो कर रहा है आप उस लिंक से भी इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की एक लेटेस्ट अपडेट पे जो कि आई है UP SSC में। तो आपको पता ही होगा कि पिछली सरकार ने कुछ ग्राम विकास अधिकारी के कैंडिडेटों का इंटरव्यू ले लिया था, हालांकि आचार संहिता लगने के कारण सभी लोगों का इंटरव्यू नहीं हो पाया था। तो नई योगी सरकार ने जब नए अध्यक्ष की नियुक्ति की तो नए अध्यक्ष CB पालीवाल ने घोषणा किया कि सबका इंटरव्यू होगा, चाहे वो इंटरव्यू पिछली सरकार में दे चुके हैं या फिर नहीं दे चुके हैं। यहाँ पर बात ग्राम विकास अधिकारी की हो रही है, लेकिन पिछली सरकार में लगभग 3300 लोग इंटरव्यू दे चुके थे और ये 3300 लोग कोर्ट चले गए। आयोग के इस फैसले के खिलाफ ये लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट में इन लोगों ने यह याचिका दायर की कि जब हमने इंटरव्यू दे दिया है तो फिर हमें इंटरव्यू देने के लिए क्यों बुलाया जा रहा है। तो हाई कोर्ट ने इसी पे फैसला दिया है और हाई कोर्ट ने इन लोगों की याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने आयोग के फैसले को सही ठहराया है। तो इसके लिए एक पेपर की कटिंग भी आई है, आप अगर वो पेपर की कटिंग देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक से जाके वो पेपर की कटिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात साफ हो जाती है कि अब इंटरव्यू सबको देना होगा। तो UP SSC पे यही लेटेस्ट अपडेट थी कि अब इंटरव्यू सबको देना होगा, भले ही उनका इंटरव्यू पिछली सरकार में क्यों ना हो गया हो। तो इस वीडियो में इतना ही, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसे ही अपडेट लाते रहें। फाइनली सरकारी नौकरी और UP SSC की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।